है? चलिए तो आप लोग अभी अभी अपना रिजल्ट देखें, तो हमारे दीपक कुमार जो कि आज के टॉपर हैं, तो उन्हीं का डिटेल्स लेते हैं और देखते हैं, है ना। आप लोग भी मेहनत करिए और इन्हीं की तरह अच्छा नंबर लाइए। चलिए तो आज का हमारा जो पहला सवाल है, आप लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं इसके बारे में, है ना, कि एमआई टाइप यंत्र में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो किसके समानुपाती होता है। ठीक है, एमआई टाइप यंत्र में हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो होता है वो करंट के वर्ग के समानुपाती, एमआई टाइप में करंट के वर्ग के समानुपाती, और एमसी टाइप होगा तो सीधे करंट के समानुपाती। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है एमसी टाइप में करंट के समानुपाती, एमआई टाइप में करंट के वर्ग के समानुपाती, है ना। थोड़ा सा इसको चाहेंगे हम चेंज करने के लिए, अच्छा नहीं। और थोड़ा अच्छा लग रहा है ना फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एमआई यंत्र में मैग्नेट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जो मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने का तात्पर्य क्या है कि वैसा मैग्नेट है ना जिसमें अगर हम लोग सप्लाई देते हैं तो हमारा क्या होगा, मैग्नेट बनेगा। अगर सप्लाई जेम ही हम लोग ऑफ करते हैं तो हमारा मैग्नेट नहीं बनेगा, है ना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, स्क्रीन पे बाबू कुछ दिख रहा है? यस सर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला जो सवाल है हमारा, कि एनी संहिता के अनुसार, यानी कि हमारा एनी संहिता के अनुसार न्यूट्रल तार का जो वर्णकूट होता है, जो कलर होता है हमारा न्यूट्रल वायर का, है ना, न्यूट्रल वायर का हमारा जो कलर होता है वो कैसा होता है, काला, है ना। फेज वायर हमारा रेड होता है और अर्थ वायर जो होता है हमारा ग्रीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पीएमएमसी यंत्र का कौन सा भाग भंवर धारा डैम्पिंग उत्पन्न करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पीएमएमसी के फुल फॉर्म पूछता है परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग क्वाइल, क्या होता है, फुल फॉर्म अवश्य आएगा, जरूर आएगा, है ना। परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल यंत्र इंस्ट्रूमेंट में जो भंवर धारा डैम्पिंग उत्पन्न होता है वो कौन सा करता है ना। तो ये हमारा होता है सॉफ्ट आयरन, बेलनाकार जो कोर होता है हमारा सॉफ्ट आयरन का, वो हमारा जो है भंवर धारा डैम्पिंग उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि VTVM के फुल फॉर्म होता है वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर, क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर का इनपुट प्रतिरोध सामान्यतः होता है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर, अब इसका इनपुट प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है ना, सामान्य रूप से, जनरली रूप से, तो इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है बाबू होता है 10 मेगा ओम। सोचिए कितना ज्यादा है, कल्पना कीजिए कितना ज्यादा है ना, ये होता है 10 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ISI कोड रेगुलेशन के अनुसार प्रकाश परिपथ यानी कि लाइट सर्किट में, लाइट सर्किट के प्रत्येक शाखा में
हमारा जो लोड होना चाहिए वो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। ISI कोड रेगुलेशन के अनुसार हमारा जो है प्रकाश परिपथ यानी कि लाइट सर्किट में प्रत्येक शाखा में अधिकतम कितना लोड होना चाहिए, तो ये 800 वाट, 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा होगा 800 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन प्रकाश उपकरण में सामान्यतः किस प्रकार की बैटरी प्रयोग किया जाता है। आपातकालीन प्रकाश के लिए, समझ रहे हैं ना, आपातकालीन प्रकाश के लिए किस प्रकार के बैटरी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वह हमारा होता है सीसा अम्ल। कौन सा बैटरी होता है? सीसा अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी का आरएमएस मान बराबर होता है। जैसा कि आरएमएस वैल्यू आप लोगों को मैंने बताया था कि आरएमएस वैल्यू का मान जो होता है 0.707, ठीक है, 0.707। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि एसी का आरएमएस मान किसके बराबर होता है, तो ये अधिकतम मान का 0.707, अधिकतम मान यानी पीक वैल्यू, पीक वैल्यू का 0.707। अब भी पीक हो सकता है, भी पीक मतलब वोल्टेज और आई पीक मतलब करंट का मैक्सिमम वैल्यू या वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। बार बार इधर आता है ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति हमारा जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक औसत शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है लगभग। एक औसत शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल, हमारा जो ड्राई सेल का ईएमएफ होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। कितना होता है? 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। लेकिन ये हमारा जो है कितने परसेंट डिस्चार्ज हो जाए, मतलब इसका जो ईएमएफ है खत्म हो जाए यानी कि शेष रह जाए, तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये देता है 0.5 वोल्ट। हो सकता है वो भी क्वेश्चन आगे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, कंक्रीट दीवार तथा छत पर पेंच लगाने के लिए किस वस्तु का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारा ये जो ईंट का पत्थर कंक्रीट का जो दीवार बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें हम लोग पेंच लगाने के लिए क्या करते हैं, रावल प्लग टूल का इस्तेमाल करते हैं, रावल प्लग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, एक वाट मापी नाप सकता है। तो वाट मापी हमारा जो क्या मापता है, पावर मापता है ना, पावर मापता है, शक्ति को मेजर करता है। अब वह शक्ति एसी हो या डीसी हो, है ना, दोनों को मेजर करता है, ठीक है ना। हमारा वाट मापी क्या मापता है, पावर को मेजर करता है, और वो पावर हमारा एसी होगा या डीसी होगा वो दोनों को मेजर कर सकता है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि आप लोग जानते हैं, बार बार ऐसा क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था आ ही गया। एक शुष्क सेल को कार्य के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, ठीक है ना, यदि उसका विद्युत वाहक बल दिया हो उसके अंकित मान का केवल, है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ड्राई सेल होता है उसका ईएमएफ कितना होता है, 1.5 वोल्ट। अब हम लोग उसको यूज के लायक नहीं रखेंगे यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, तो उसका ईएमएफ कितना रह जाएगा, ठीक है ना, तो उसके अंकित मान का केवल 0.5, कितना 0.5 अगर रह जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अयोग्य घोषित कर देंगे यानी कि वो काम के लायक नहीं रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि करंट वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध क्या है, ठीक है ना।
करंट वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध क्या है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। तो ये हमारा जो होता है तो भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर सेकेंडरी को अलग नहीं करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में जो होता है सिर्फ एक ही वाइंडिंग होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो एक ही पे हुआ रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि टेपिंग करते हैं, है ना, टेपिंग करते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है अलग नहीं रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी एनर्जी मीटर मीटर के त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। ये वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, आप लोगों को बताए थे कि परसेंटेज एरर, एनर्जी मीटर में परसेंटेज एरर को ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दर्ज ऊर्जा माइनस वास्तविक ऊर्जा बटा में वास्तविक ऊर्जा गुणे 100, है ना। अब इसको हम लोग अंग्रेजी में थोड़ा सा देखेंगे तो रिकॉर्डेड एनर्जी, है ना, जो हम लोग ऊर्जा मीटर से जो एनर्जी को रिकॉर्ड किए वह रिकॉर्डेड एनर्जी, ठीक है ना, रिकॉर्डेड एनर्जी माइनस वास्तविक वास्तविक एनर्जी बटा में वास्तविक गुणे 100, ये हमारा होगा इसका आंसर। तो इसको बढ़िया से थोड़ा सा ध्यान से इस फॉर्मूला को आप लोगों को ध्यान देना है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एनर्जी मीटर का। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं सर। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी चालक में होना चाहिए, तो कोई भी कंडक्टर अगर है, बढ़िया अगर कंडक्टर होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि कम से कम विशिष्ट प्रतिरोध, कम से कम रेजिस्टेंस हमारा होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी ट्रांसफार्मर के अति उष्मा का कारण क्या हो सकता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो बहुत ज्यादा उसमें हीट उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा, तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है। तो जब अगर हमारा ट्रांसफार्मर पे बहुत ज्यादा लोड है तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, उसमें हीट उत्पन्न होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी ट्रांसफार्मर की ऑल डे इफिशियंसी को परिकलित करने के दौरान खपत पावर आउटपुट की इकाई क्या होगी। यानी कि एक लाइन में समझना है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर की ऑल डे इफिशियंसी होती है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग मेजर करते हैं के डब्ल्यू एच में, किस में, के डब्ल्यू एच में। यानी कि हमारा ऑल डे इफिशियंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, के डब्ल्यू एच, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी ठोस पदार्थ या विषम वाहक चालक पर तन्य दाब लगाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास ठोस पदार्थ है या विषम वाहक चालक है, है ना, इंसुलेटर टाइप ठोस है, तो उसके तन्य दाब पर माने ऊपरी सतह पर हमारा जो इंसु होता है उस पे जो प्रेस करता है उसके अंदर में जो वायर होता है यानी कि तार, ठीक है ना। ये जैसे कि मान लीजिए कि हमारे ये क्या है, केबल है, इसके अंदर तार है, ऊपर में इंसुलेशन लगाया हुआ है, तो इंसुलेशन हमारा क्या है, ये इंसुलेटर ही है ना। तो इस इंसुलेटर के ऊपर, इस इंसुलेटर पर तन्य दाब, दाब जो लगाएगा कौन लगाएगा, इसके अंदर में जो हमारा तार है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि किसी सर्किट में लीकेज धारा क्या उत्पन्न करती है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीकेज धारा, कहीं भी हमारा जो वायरिंग किए हैं, ठीक है ना, उस वायरिंग में अगर
उस वायरिंग में अगर मान लीजिए कहीं से धारा लीक हो रहा है, यानी कि हमारा करंट लीक हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमारा एनर्जी मीटर जो है वो चलते रहेगा, है ना, चलते रहेगा, जिससे क्या होगा कि ऊर्जा की अधिक बिलिंग होगी, ऊर्जा की अधिक बिलिंग होगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा है और आईटीआई एग्जाम में भी पूछा है, तो आप लोग अच्छा से इसको याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीकेज करंट, किसी भी सर्किट में लीकेज करंट हमारा जो है वो, उससे क्या लॉस होगा, तो ऊर्जा की अधिक बिलिंग होगी, ऊर्जा की अधिक बिलिंग होगी। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथ की संख्या कितनी होती है। कोर प्रकार के हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें चुंबकीय परिपथ की संख्या सिर्फ एक, ठीक है ना। सेल टाइप में जो होता है चुंबकीय परिपथ की संख्या दो, और बेरी टाइप के जब पूछेगा तो उसमें जो है चुंबकीय परिपथ की संख्या होता है अनेक। ये सब याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि कौन सा पदार्थ शुष्क सेल में पोलराइजेशन का कार्य करता है। हमारा जो ड्राई सेल होता है उसमें जो है पोलराइजेशन का कार्य कौन करता है, तो ये हमारा होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो कि पोलराइजेशन के कार्य करता है हमारा शुष्क सेल में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है कुछ, तो फटाफट इधर कर लेते हैं कि चालक के आकार को मापने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये सब, मानक वायर गेज, मानक वायर गेज को बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, है ना, SWG शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी कि उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानक वायर गेज। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जब किसी एम्पलीफायर की तुलना की जाती है तो ट्रांसफार्मर नहीं किया कर सकता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि एम्पलीफायर के माध्यम से हम लोग जो है अपना आउटपुट में पावर को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम आप लोगों को मैंने बताया था कि एम्पलीफायर की तुलना अगर ट्रांसफार्मर से किया जाता है तो हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं वो हमारा पावर को नहीं घटाता बढ़ाता है। ठीक है, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो पावर को नहीं घटा बढ़ा सकता है, सिर्फ करंट और वोल्टेज को हमारा घटाता बढ़ाता है ना, पावर को सिर्फ ट्रांसफर करता है। लेकिन एम्पलीफायर के माध्यम से हम लोग जो है आउटपुट में अपना पावर को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्नीशियन ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को श्रेणी में लगाया जाता है, और टेक्नीशियन बी कहता है कि समानांतर में, है ना, तो इनमें से कौन सही है, कौन सा टेक्नीशियन जो है वो सही है। ठीक है, ए कहता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर को श्रेणी में लगाते हैं, और टेक्नीशियन बी कहता है कि वोल्ट मीटर को समानांतर में यूज करते हैं, तो टेक्नीशियन बी हमारा जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जितना है बिल्कुल एकदम याद कर जाना है, एक एक क्वेश्चन यहाँ सेट होना चाहिए, बस पूरा एकदम रिपीट करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड आयरन कोर की मोटाई कितनी होती है। 27 नंबर, ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर की मोटाई, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ये हमारा आयरन कोर की जो मोटाई होती है वो 0.5 mm होती है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड आयरन कोर की जो मोटाई होती है वो कितना होता है, 0.5 mm। डेल्टा समायोजित ट्रांसफार्मर में विकसित पावर क्या होता है, ठीक है ना, डेल्टा हो या स्टार हो,
डेल्टा हो या स्टार हो, आप लोगों को मैंने बताया था पावर निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, पी बराबर क्या होता है, रूट रूट थ्री इंटू आई एल या वी एल, है ना, कॉस फाई ई लिख सकते हैं या ई के जगह पे भी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, सिकांत सर प्लीज सर, बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हैं सर, ठीक है ना। तो रूट पी बराबर हमारा पावर निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि तंतुमय चालकों का ठोस चालकों की तुलना में क्या गुण है। तंतुमय चालक यानी कि हमारे एक तरह का फ्लेक्सिबल चालक है ना, तंतु वाला अगर है तो जाहिर सी बात है कि हमारा फ्लेक्सिबल होगा। उसके बाद बोल रहा है कि हमारा एक ठोस चालक है, ठीक है। दोनों में अगर तुलना किया जाए तो हमारा जो होता है तंतुमय चालक का क्या गुण होगा, तो जाहिर सी बात है कि ठोस चालक की अपेक्षा हमारा जो तंतुमय चालक होगा वो अधिक लचकदार होगा यानी कि फ्लेक्सिबल होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्री फेज सिस्टम में थ्री फेज वोल्टेज कोण कितने डिग्री पर स्थापित किया जाता है। थ्री फेज सिस्टम में थ्री फेज वोल्टेज कोण जो होता है वो कितने डिग्री पर स्थापित किया जाता है, 360, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा थ्री फेज है तो 120 बढ़ती आई 36, है ना, 120 डिग्री पर स्थापित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ क्या है, यानी कि हमारा जो सेकेंडरी सेल है उसका मेन एडवांटेज क्या है, मुख्य लाभ क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि सेकेंडरी सेल को हम लोग क्या करते हैं, बार बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, यह हमारा एडवांटेज है प्राइमरी और सेकेंडरी में देखा जाए तो, है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ में प्रयुक्त एल्युमिनियम के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट जो होनी चाहिए प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ के लिए, है ना। वहां पे हमारा जो प्रकाश और पंखे के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि ये होता है हमारा 1.5 mm², ठीक है ना। एल्युमिनियम के लिए अगर यही पूछेगा हमारा, देखिए नीचे क्वेश्चन है भी, प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ में प्रयुक्त तांबे की अगर पूछेगा प्रकाश और पंखे के परिपथ के लिए, तो वहां पे हमारा जो न्यूनतम काट क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, 1 mm, ठीक है। पावर के लिए हमारा अलग अलग हो जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का मानक रेटिंग जो होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमारा जो होता है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की जो मानक रेटिंग होता है वो होता है 110 वोल्ट, है ना। करंट ट्रांसफार्मर के अगर पूछेगा हमारा जो द्वितीयक का मानक रेटिंग यानी सेकेंडरी का मानक रेटिंग, तो एम्पियर 5 एम्पियर होता है, और ये पोटेंशियल के लिए सेकेंडरी के लिए मानक रेटिंग हमारा होता है 110 वोल्ट। चलिए, तो फ्रीक्वेंसी किसके समानुपाती होता है, तो फ्रीक्वेंसी हमारा जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस के समानुपाती होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के समानुपाती होता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL बराबर 2πfL, क्या होता है, XL बराबर होता है 2πfL, ठीक है। तो हमारा जो XL है वो बिल्कुल फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, इसे XL बराबर 2πfL, तो 2πfL के क्या है, हमारा समानुपाती है XL। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारा हो जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस के बिल्कुल समानुपाती होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला जो सवाल है कि फेज टेस्टर कितने वोल्ट तक हम लोग कार्य करते हैं। फेज टेस्टर जो कि आप लोग जानते हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से देखे भी हैं, पढ़े भी हैं, तो फेज टेस्टर को हम लोग मैक्सिमम जो है 500 वोल्ट तक कार्य पे ले सकते हैं, है ना, उससे ज्यादा नहीं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि बैटरी के ताप में वृद्धि से अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, ठीक है। बैटरी के तापमान में अगर वृद्धि करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट गुरुत्व है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है,
अगर हमारा टेम्परेचर उसमें बढ़ता है बैटरी का, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो घटता है, क्या होता है, कम होता है, यानी कि घटता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी को फिट करते समय सही रूप से क्या देखना चाहिए। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो हम लोग कोई भी बैटरी अगर उसको फिट कर रहे हैं तो सबसे पहले पोलेरिटी का ध्यान देना होता है, नहीं तो अगर पोलेरिटी का ध्यान नहीं देंगे तो हमारा क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट अगर टच होता है तो हम लोग सबसे पहले उसमें जो ध्यान देंगे तो हमारा पोलेरिटी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि समय भी कम है, फिर जुड़ेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी में द्रव्य जो जल और सल्फ्यूरिक अम्ल का एक मिश्रण है क्या कहलाता है। हम लोग बैटरी में जो द्रव इस्तेमाल करते हैं विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग यूज करते हैं वो किसका किसका मिश्रण होता है, तो ये हमारा होता है जल और सल्फ्यूरिक अम्ल का, किसका होता है, जल और सल्फ्यूरिक अम्ल का है ना। यदि लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट्य का स्तर निम्न हो तो बैटरी को किससे बाहर आ जाना चाहिए। अगर हमारा कोई बैटरी है उसका इलेक्ट्रोलाइट, अगर उसका इलेक्ट्रोलाइट का स्तर जो है कम हो गया है, ठीक है ना, कम हो गया है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, उसको माने स्तर लेवल में लाने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आसुत जल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, आसुत जल का यानी डिजिटल वाटर जो हमारा होता है, आप लोग देखे होंगे पानी में पानी वानी डालते हुए बैटरी में, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट्य, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। यूरेका वायर का उपयोग है, तो यूरेका वायर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि ये रियोस्टेट में, ये हम लोग प्रैक्टिकल भी किए हैं इससे, है ना। अभी अभी हम लोग तुरंत डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर से हम लोग जुड़ जाएंगे, है ना, फिर से जुड़ जाएंगे फटाफट। तो यूरेका वायर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो रियोस्टेट बनाने में। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेड एसिड बैटरी के धनात्मक प्लेट का रंग कैसा होता है, तो लेड एसिड बैटरी के हमारा जो धनात्मक प्लेट का जो रंग होता है वो भूरा होता है ना, भूरा भूरा कलर का होता है। लेड एसिड बैटरी को चार्ज करते समय कौन सी एक नुकसानदायक गैस निकलती है, तो हम जब अपना लेड एसिड बैटरी को चार्ज करते हैं तो वहाँ पे एक नुकसानदायक गैस जो कि विषैली गैस भी उसको बोलते हैं वो निकलता है, और वो हमारा होता है हाइड्रोजन, है ना, क्या होता है, हाइड्रोजन, जो कि बुलबुला के रूप में निकलते रहता है।